नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वर्मा। ऑल इन वन चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आया हूं, वो वीडियो होने वाली है कि अगर इंडियन शीट में पानी लीकेज होता है तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो, मैं इस वीडियो में आपको पूरा दिखाऊंगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन हमारी पहुँच सके। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हो इस इंडियन शीट में थोड़ा थोड़ा पानी लीकेज होता रहता है। हम इस लीकेज का सलूशन निकालेंगे, जो लीकेज कैसे बंद होगी वीडियो में देखते हैं कि इसका प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों, आपने सबसे पहले सिस्टम का जो ढक्कन होता है उसको निकाल लेना है और एक साइड पर रख दें, और इसमें जो बचा पानी है इसको हमने निकाल लेते हैं। पहले फ्लैशिंग कर लेते हैं क्योंकि ये ख़राब हो चुका है, इसलिए हमको सैफन इसमें से निकालना पड़ेगा। और सैफन किसको बोलते हैं, ये जो बीच में है इसको सैफन ही बोलते हैं, इसको निकालना है। इसमें एक वाशल होती है, उस वाशल को निकाल लेना है। अभी इसको निकाल के देख से साइज़ की वाशल पड़ी है इसमें। इसमें वाशल तो दो किस्म की आती है, एक आधी इंच की आती है, एक पौनी इंच की आती है। अब हमने सैफन को निकाली है, इसमें जो वाशल पड़ी है ये पौनी इंच की साइज़ की है, पर ये बहुत ही हार्ड हो चुकी है। अब हम इसको निकालेंगे, शायद इसको काट के निकाल लेते हैं, ऐसे तो निकलेगी नहीं क्योंकि ये बहुत ही टाइट हो चुकी है। आप इस वीडियो में देख सकते हो ये बाशल बहुत ही टाइट है, जिसके कारण इंडियन शीट में जो पानी लीकेज हो रहा था। इसी तरीके से आप भी अगर आपके इंडियन शीट में पानी लीकेज होता है तो इसी तरह आप रिपेयर कर सकते हो और अपना जो इंडियन शीट में पानी चलता है वो ठीक कर सकते हो। इसको हम निकाल लेते हैं, पहले काट के निकालना पड़ेगा, ऐसे तो निकल नहीं रहा क्योंकि बहुत ही हार्ड हो चुका था। अब नया वाला वाश लिया, जे हम डाल लेंगे। ये आपको हार्डवेयर दुकान से 10 रुपये की मिल जाएगी। अब हमने सैफन को डाल लेना है, उसी तरह डाल लेना है जिस तरीके से हमने निकाला था, उसी तरह हमने दोबारा सैफन को डाल लेना है और थोड़ा सा घुमा लेना है क्योंकि इसमें से लॉक लग जाते हैं, फिर ये बाहर को नहीं निकलता। लॉक लगा लें। अब हम फ्लैशिंग करके भी दिखाएंगे कि क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं हुई है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन हमारी पहुंचती रहे। तो हमने फ्लैशिंग करके अभी दिखाते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं हुई है। पहले हम सिस्टम को भर लेते हैं पानी से, अब हम फ्लैशिंग करेंगे। आप देख सकते हो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की हम नई नई जानकारियाँ लेके आते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।